हेलो फ्रेंड्स, मैं जितांशु आप सबको फिर से हेलमेट ट्रक में स्वागत करता हूं। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा इन दोनों में से कौन सा आप लें जो आपको सही लगे। तो आज जो हम बात करेंगे, ये दो हेलमेट्स दोनों कंपनी का है। एक आपका स्टर्ट्स का ड्रिफ्टर मॉडल है, हाल ही में जो कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है, और ये आपका बल्ट बनी है। दोनों ब्रांडेड कंपनी है और दोनों ISI और डॉट सर्टिफिकेशन है। तो इन दोनों का हम आज कंपैरिजन करेंगे क्या जो आपको लेने पर सही लगे, कुछ इसमें मेरिट से कुछ डिमेरिट से उसके बारे में हम बात करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं स्टर्ट्स का ड्रिफ्टर मॉडल से। आप देख सकते हो स्टर्ट्स का जो ड्रिफ्टर मॉडल है, ये आपका 3-4 यानी कि हर कोई कलर में आता है, आप चाहो तो प्रिफर कर सकते हो। इसका जो आउटर सेल जो है आपका ABS मटेरियल से बनाया गया है और ये आपका ISI डॉट सर्टिफिकेशन है। आप देखोगे यहाँ पे भी आपका वेंटिलेशन के लिए चीन के पास दिया हुआ है, इसको यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। साथ ही साथ ये डबल वाइजर हेलमेट है, यहाँ पे आपको देख सकते हो इस मैकेनिज्म के थ्रू से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो जो ड्रिफ्टर में मिलता है। सेम हम बात करेंगे फ्रंट के साइड में आपका बल्ट बनी में, आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपका वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है कंपनी ने, और इसका डिजाइन जो चीन के पास है सेम है, आप देख सकते हो। देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला दोनों सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो आपका बल्ट बनी का जो है यहाँ पे आपका डबल वाइजर नहीं मिलता है, ये सिंगल वाइजर मिलता है, यानी कि आप सिर्फ आपका फ्रंट का वाइजर मिलता है जो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। क्लियर में मिलता है आपका, स्मोकी में मिलता है, और आपका रेनबो में मिलता है, इसमें भी मिलता है हर कलर में, चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आउटर सेल के बारे में, जो कंपनी का जो बोलना है। इसका आउटर जो सेल है शर्ट्स का, ये आपका जो ABS मटेरियल से बनाया गया है और आपका डॉट सर्टिफिकेशन है, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बनाया गया है। सेम टू सेम भैया का भी जो वर्मा है, इसका जो आउटर सेल है ये भी ABS मटेरियल से बनाया गया है और डॉट सर्टिफिकेशन के हिसाब से इसको भी बनाया है। ग्राफिक्स दोनों का अलग अलग है, आप देख सकते हो बर्ट बनी का जो है आपका जो है ग्राफिक्स, बहुत सारे ग्राफिक्स में आते हैं, आप चाहो तो प्रिफर कर सकते हो। स्टर्ट्स का ड्रिफ्टर मॉडल जो है ये भी बहुत सारे ग्राफिक्स में आता है, एक आता है आपका ग्लॉसी में और मैट में, ये भी आपका ग्लॉसी और मैट में आता है, आप अपने हिसाब से चूज करके ले सकते हो। अब हम टॉप के पार्ट में जाते हैं, टॉप के पार्ट में मेन चीज होता है वेंटिलेशन। आप जब राइडिंग करते हो अगर वेंटिलेशन सही तरह से रहेगा तो ऊपर जो होता है वेंट्स, जो हॉट एयर इन होता है और आउट होता है, साथ ही साथ आपका एरोडायनेमिक्स बनाए रखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हो स्टर्ट्स का जो टॉप में यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ है, यानी कि इसको आप ऑपरेट करके एयर इन होता है और आउटर साइड में आउट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सिंगल वेंट है, यानी कि एक ही जगह पे एयर इन होता है और दोनों साइड से निकलता है, लेकिन भेगा ने क्या किया यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप में दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए ये दो और पीछे दो, यानी कि चार वेंट्स है, इसमें सिर्फ टॉप में एक वेंट है और बैक साइड में दो। इसमें क्या है, टॉप में दो वेंट्स है और बैक साइड में भी दो। साथ ही साथ आप नोट करोगे बैक के साइड में चलते हैं, ड्रिफ्टर का जो है आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा प्लेन है, तो सही नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है, बाकियों के क्या लगता है पता नहीं, लेकिन उसकी कंपैरिजन हम बात करें वेगा का, आप देखते हो यहाँ पे स्पॉइलर लगा हुआ है तो थोड़ा सा अट्रैक्ट बनाता है, आप इसको अटैच और डी अटैच कर सकते हो, इसको भी अगर हम खोल देंगे तो सेम टू सेम इसके तरह हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन स्टर्ट्स ने दिया नहीं, डॉट सर्टिफिकेशन है ही तो है, लेकिन इसके साथ ये स्पॉइलर दे देता तो स्टर्ट्स
थोड़ा सा और अट्रैक्ट होता है। देखिए दोनों डॉट और आपका आईएसआई है, दोनों का कंपैरिजन मैं बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे इंटरनल मटेरियल के बारे में। आप देखोगे स्टर्स का जो है ट्रिप्टर मॉडल, इसका जो कुशन जो है थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का बनाया हुआ है, आपको कंफर्ट लगेगा। लेकिन साथ ही साथ हम बात करेंगे बोल्ट बनी का, इसका जो कुशन जो है एकदम नॉर्मल सा है, दोनों आपका वॉशेबल है, आप अटैच और डी अटैच हो जाता है, आप खुल के इसको यूज कर सकते हो। लेकिन भेगा का क्या है, मुझे थोड़ा सा कुशन सही नहीं लगा इसके कंपैरिजन। आप देखो इसका क्वालिटी और इसका क्वालिटी, दोनों में बहुत अंतर है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसका जो वेट के बारे में। ये आपका जो होता है बोल्ट बनी जो होता है आपका 1350 ग्राम का है, लेकिन इसका जो वेट है आपका 1450 ग्राम का है, 150 ग्राम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मैकेनिज्म दिया हुआ है इसकी वजह से थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ है। ये थोड़ा सा अट्रैक्ट बनाता है, आजकल भी देना चाहिए, तो स्टार्स ने सही काम किया है। लेकिन बोल्ट बनी जो है इसका जो होता है डबल वाइजर नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा वेट कम है और इसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है सिर्फ यहाँ पे डबल वाइजर की वजह से। अब हम बात करते हैं इसका जो प्राइस के बारे में। ये आपका आता है 2550 रुपये का, और ये आपका आता है, ये आपका आता है आपका 1898 रुपये का। तो दोनों का जो होता है प्राइस के हिसाब से आप देखोगे डॉट और आईएसआई है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कुछ दिया हुआ है, जो डबल वाइजर का हेलमेट है आपका दिया हुआ है, और इसमें डबल वाइजर का हेलमेट नहीं है, तो इसका थोड़ा सा प्राइस कम रहेगा। लेकिन दोनों हेलमेट सही है। साथ ही साथ आप देखोगे स्टर्स ने जो यहाँ पे जो हेलमेट दिया हुआ है इसमें वारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भैया और बोल्ट बने ने आपका एक्टिव वारंटी का यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है। आप देख सकते हो एक्टिव वारंटी, इसको आप एक्टिव करके बाद में वारंटी क्लेम कर सकते हो, लेकिन स्टर्स ने ऐसा किया नहीं है। स्टर्स ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ वारंटी नहीं दिया है, लेकिन ये प्लस पॉइंट है भैया का, इसमें आपको वारंटी मिल जाता है। कुछ भी इंसिडेंस होता है तो आप उसको लेने के टाइम पे बिल ले सकते हो, अपलोड कर सकते हो, उसके बाद कुछ इंसिडेंट होता है तो आप इसको अगर एक्टिवेट किया होगा तो कंपनी आपके पास सुनती है, फिर उसके बाद वो रिप्लेस कर देती है। तो ये प्लस पॉइंट है भैया बोल्ट बनी का। तो अब आता है प्राइस के बारे में, मैंने तो आपको बता दिया। अगर आईएसआई और डॉट सर्टिफिकेशन चाहिए, अगर आपको 2000 के रेंज के अंदर चाहिए तो आप प्रिफर कर सकते हो बोल्ट बनी को, ये आपका आ जाता है 2000 के अंदर, यानी कि जो प्राइस मैंने बताया आ जाता है। अगर थोड़ा सा आपको हाई रेंज में जाना है आईएसआई और डॉट सर्टिफिकेशन, तो आप ट्रिप्टर को प्रिफर कर सकते हो जो स्टर्स का है, ये आपको 2550 रुपये का आता है, जो मार्केट में अब आजकल अवेलेबल है। तो 2000 के अबव में जो चाहिए 2500 या 3000 के अंदर, तो आप इसको प्रिफर कर सकते हो, इसको ट्रिप्टर को और बोल्ट बनी को भी आप प्रिफर कर सकते हो अंडर 2000। तो आज के लिए इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।